ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस इस टाइप का मनी हैज कांसेप्ट। सो गाइस, इस कांसेप्ट में आप सभी को गाइस आपके अपनी फोटो को जो क्लिक करवाना है गाइस वो कुछ इस टाइप से क्लिक करवा लेना है कहीं पे भी, मतलब कि गाइस अपने आप जॉब का फोन मतलब जॉब की फोटो क्लिक करेगा, आप उस पर्सन को ऐसा बोल सकते हो कि भाई थोड़ा सा ऊंची जगह पे खड़े होकर आप मेरी ये फोटो क्लिक कर दो। तो गाइस वैसे पोज में आपको फोटो क्लिक करवाना है, जैसे कि आप सभी को गाइस फोटो को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आपको फोटो किस तरीके से क्लिक करवानी है। सो गाइस, आपको इस टाइप में फोटो क्लिक करवा लेना है। देन गाइस, आपको उसको एडिट कैसे करना है वो मैं आप सभी को इस वीडियो में पूरा बता ही दूंगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल बस कंप्लीट देख लेना। एंड गाइस, अब तक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गाइस अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस, मैंने आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जिसमें कि गाइस मैं आप सभी को इंस्टाग्राम यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। अगर आप में से कोई भी भाई इंटरेस्टेड हो तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट जरूर करना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को जो फोटो की क्लिक करवा लो गाइस पहले उसको आप थोड़ा क्रॉप कर लेना गाइस, क्योंकि हमें जो है मतलब चेस्ट तक का एरिया ही चाहिए, थोड़ा क्रॉप कर लेंगे। एंड इसके बाद गाइस इसको इरेज करने के लिए हम यहाँ से चले जाएंगे गाइस इसको लेकर ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इरेजर पर क्लिक करके गाइस आपको साइज जो अपने अकॉर्डिंग रख लेना है, फिर फोटो को जूम करके गाइस यहाँ पे आप सभी को फटाफट से इसको इरेज कर लेना। तो गाइस मैं इसको फटाफट इरेज कर लेता हूँ। फिर गाइस इस बैकग्राउंड को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। फिर इसको आपको पिक्सार्ट में ओपन करके देन जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस जो भी हमने मॉडल का बैकग्राउंड रेस किया आपको सिंपली इस मॉडल को लेना है गाइस यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आपको इस मॉडल को यहाँ पे ऐड कैसे करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। सो गाइस, आपका जो पीछे की तरफ जो आपको दिख रहा होगा गाइस जो पीछे का जो मास्क लगा के जो बंदा खड़ा है आपको उसके इस हिसाब से जो आपका उसका जो हेड है गाइस उसके यहाँ पे टच होना चाहिए हल्का सा आपका मॉडल, ठीक है, इतना हिसाब से रखना है। फिर यहाँ पे ओपेसिटी कम करके एंड इरेजर टूल में जाके आपको सिंपली फोटो को जूम करना है। एंड जो गाइस यहाँ पे जो फ्रंट पे जो डॉलर उड़ रहा है हमारा जो फ्लाई हो रहा है इसके आगे का एरिया जो होगा उसको आपको इरेज कर लेना है, ठीक है, कुछ स्टेप से इरेज कर लेना है। एंड फिर उसके बाद गाइस आपको फिर क्या करना है मतलब कि जो आप फिर किधर का एरिया इरेज करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहले मैं इधर का इरेज कर देता हूँ पहले परफेक्ट तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका इरेज कर लेते हैं। अब इसको हमने यहाँ पे गाइस इरेज कर लिया। अब गाइस जो आपका हैंड है जो गाइस आपका हैंड है जो आपको उस साइड का एरिया जो है नीचे का तरफ का एरिया आपको उसको इरेज करना है सिंपली, ठीक है, कुछ इस टाइप से। फिर गाइस मतलब कि अब यहाँ पे हम जब डार्क शेडो डालेंगे तो उसके बाद ये सब कुछ हाइड हो जाएगा कि फिर पता भी नहीं लगेगा कि हमने कुछ इरेज किया है। तो हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हार्डनेस कम करके फिर यहाँ पे इरेज करेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा मैंने ज़्यादा इरेज कर लिया है तो इसको हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से इरेजर टूल में जाना पड़ेगा। सो जो वहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा इरेज हो गया था हम उसको यहाँ पे फिल करेंगे ब्रश पे लेके एंड हार्डनेस यहाँ पे हम कम रखेंगे, ठीक है। तो गाइस आप लोग भी हार्डनेस कम रखना। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जो मतलब एक चीज हार्डनेस होगी फुल कर लेंगे, ओ सॉरी ओपेसिटी एंड इरेजर टूल में जाके जो एरिया इरेज हो गया उसको हम फुल कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है। तो अब गाइस क्या करना है आप सभी को, अब थोड़ा सा गाइस यहाँ पे ना जो साइज़ है जो हमारा ये ना थोड़ा सा छोटा हो गया तो हमें इसका साइज़ थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो कुछ स्टेप से ऐसे इतना साइज़, हाँ इतना परफेक्ट है, ठीक है। तो इतना साइज़ रखना आप सभी को भी। फिर गाइस जितना साइज़ रखने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, फिर इसमें गाइस आपको ना थोड़ी शेडो भी बनानी है, ठीक है, बैकग्राउंड में जो मतलब कि मैंने अभी बताया था आपको जो नीचे हाइड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, हम इसको यहाँ से हम जाएंगे दोबारा ऐड फोटो में। सो गाइस ब्लैक कलर का जो पीएनजी गाइस आपको ये ले लेना है, ठीक है। तो फिर इसका इसको आपको फुल साइज करके कुछ स्टेप्स ऐसे रखना है, फिर इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना गाइस आपको अपने अकॉर्डिंग साइज रखना है एंड हार्डनेस ओपेसिटी को कम कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आपको फोटो को जूम करना है एंड उसके बाद गाइस आपको नीचे की तरफ कुछ इस टाइप से शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा बारी पेंट मत करना एक जगह पे, नहीं तो उस जगह शेडो डार्क हो जाएगी और उस जगह शेडो डार्क हो गए तो यार फिर अजीब लगेगी हमारी फोटो। तो आपको ज़्यादा पेंट नहीं करना एक जगह पे, फिर उसके बाद इतना कर देंगे एंड उसके बाद उसके हम इसकी ओपेसिटी जो है कुछ इस टाइप से कम कर देंगे, ठीक है गाइस। तो इस टाइप से आपको ओपेसिटी कम कर देनी है, अपने अकॉर्डिंग रख लेना गाइस आपको जो भी होगा हार्डनेस वगैरह। फिर उसके बाद आपको क्या करना गाइस, उसके बाद जाना आपको ऐड फोटो में एंड यहाँ पे गाइस मैं आप सभी को दो मास्क के पीएनजी दूंगा, ठीक है। आपको दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे आप दोनों में से कोई भी ऐड कर लेना, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो या फिर अगर आपको हैंड के साथ चाहिए तो गाइस हैंड के साथ आप सभी को ये वाला पीएनजी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई सा यूज़ कर सकते हो, बट गाइस अभी मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ करूँगा। तो इसके बाद हम इसको गाइस कुछ इस टाइप से ऐसे रखेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ कुछ इस टाइप से एंड जो एक आई होगी आपकी उसको आपको गाइस हाइड करना है, ठीक है, इस मास्क के जरिए। तो उसको हम यहाँ पे हाइड करेंगे कुछ इस टाइप से
फिर देन उसके बाद आप सबको फ्री का करना है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से रख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर ये परफेक्ट है ठीक है, तो इतना कर देने के बाद अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे डन ठीक है। तो हमारा इतना एरिया सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब जाएंगे हम टूल्स में, फिर एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपको लेना यहाँ पे सैचुरेशन वाला ऑप्शन एंड इसको सैचुरेशन माइनस कर देना 10 तक ठीक है, 10 तक माइनस कर देना एंड उसके बाद कर देना डन। फिर गाइज आपसे क्या करना, आपको अपनी इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना एंड इसको लेकर चलना है लाइटरूम ऐप में, फिर वहाँ पे हम रिटच करेंगे इसको। तो उसके बाद जाना आपको लाइट वाला ऑप्शन में, इसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा आपको उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है एंड जो हाईलाइट होगा उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। फिर जो गाइस शेड होगी इसकी थोड़ी सी कम कर देना है एंड जो गाइस वाइट होगा इसको भी थोड़ा कम कर देना है। फिर जो ब्लैक होगा इसको भी थोड़ा कम कर देना है। फिर जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, फिर जो इसकी वाइब्रेशन होगी फोटो की इसको इंक्रीज़ कर देना है एंड जो टेम्परेचर होगा उसका हल्का सा कम कर देना है। फिर जाना आपको कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन जो होगा उसको थोड़ा सा माइनस कर देना है एंड जो ल्यूमिनस होगा आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो आप ठीक है। फिर रेड कलर में जाकर आपको उसका ह्यू थोड़ा सा चेंज कर देना है एंड जो सैचुरेशन होगा उसको प्लस कर देना है ठीक है। फिर उसके बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को यहाँ से चले जाना है इस डार्क ब्लू वाले ऑप्शन में, सॉरी येलो कलर में, आप चाहो तो इसका सैचुरेशन माइनस कर सकते हो ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है डार्क ब्लू में। फिर उसके बाद आपको अगर आपको ब्लू टोन नहीं चाहिए फोटो में तो आप इसका सैचुरेशन माइनस कर सकते हो जैसे कि मैंने कर दिया है। देन उसके बाद जाना आपको नीचे लाइटरूम में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में विग्नेट होगा वो हल्का सा डाल देना है। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ग्रेन माउंट मिल जाएगा, आपको उसको बढ़ा देना है एंड चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड जो नोट डिटेक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नोट डिटेक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने, तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।